राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रभुनाथ चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के मंत्री श्री मोहन चौहान जी, ब्लॉक प्रमुख श्री राम भरोसे चौहान जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ब्रज बहादुर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, चौहान समाज से जुड़े हुए प्रदेश के अलग अलग कोनों से उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में देश को एक मंत्र दिया था। वह मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र अपने आप में सब कुछ कह देता है। जब हम सब एकजुट होंगे तो ही विकास कर पाएंगे, तो ही सुरक्षित रहेंगे, तो ही सम्मान पाएंगे। और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? व्यापक असंतोष था, अविश्वास था, रोज एक नया घोटाला आ जाता था, जनता के मन में व्यापक असंतोष और आक्रोश था। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार देश की कीमत पर राजनीति कर रही थी, देश की बाह्य सुरक्षा भी खतरे में थी और आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में थी। बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर कभी चीन, कभी पाकिस्तान भारत की सीमाओं में घुसपैठ करता था, और जब कभी इसकी आवाज उठती थी तो कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी नहीं, चुप हो जाओ, मत बोलना। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति, जगह जगह आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता था। कहीं आतंकवाद है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं अराजकता है। और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो आपने देखा होगा, उस सरकार के समय आतंकवादियों ने मध्यकाल की याद ताजा कर दी, जब मंदिरों पर, मठों पर हमले होते थे, बृहद हिंदू समाज की भावनाओं को कुठाराघात करके रौंदा जाता था। और यह दृश्य कहीं देखने को मिल रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देखने को मिल रहा था। थाने तहसीलें बिक चुकी थी, गिरवी रख दी थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। जब उनकी सरकार थी केवल लूट मचाए हुए थे। और उन स्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का।
भाइयों बहनों, ये नारा एक हकीकत में बदली। आज आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, आवास दिए जा रहे हैं सबको बिना भेदभाव के, शौचालय दिए गए बिना भेदभाव के, रसोई गैस के सिलेंडर दिए जा रहे हैं बिना भेदभाव के, किसान सम्मान निधि दी जा रही है बिना भेदभाव के, ऋण माफी की योजना हुई है बिना भेदभाव के, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है बिना भेदभाव के, और सबको राशन देने की कार्रवाई, फ्री में राशन देने की कार्रवाई बिना भेदभाव के, और कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए भी सबको फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन भी बिना भेदभाव के। ये होती है सरकार। पाकिस्तान और चीन भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं कर सकता।